आम आदमी पार्टी पंजाब नू एज़ सून एज़ पॉसिबल दफ्तर वास्ते जगह अलॉट कर दो, अदरवाइज आम आदमी पार्टी गवर्नर ऑफिस गवर्नर हाउस के बाहरों अपना आम आदमी पार्टी दफ्तर चलाऊगी। ये तुहानू असीं वार्न करते हैं। दफ्तर लई थां नहीं मिली तां आम आदमी पार्टी ने सिद्धी चेतावनी हुण पंजाब दे राजपाल अते चंडीगढ़ दे प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित नूं दे दित्ती है। आप अते पंजाब राजपाल दे विचकार फिर तो पेच फस गई है। इस बार विवाद है चंडीगढ़ विच दफ्तर लई थां दा। आम आदमी पार्टी उदों भड़क गई है जदों चंडीगढ़ प्रशासन ने पार्टी नूं दफ्तर दे लई थां देण तों इनकार कर दित्ता है। यूटी प्रशासन वल्लों इस दे पिछे वजह दस्सी गई है कि जमीन वंड नियम दे मापदंडां नूं आम आदमी पार्टी पूरी नहीं करदी है। राजनीतिक दल नूं शहर विच जमीन वंड करन दे दो आधार ने। पहला, पार्टी नूं कौमी दल दा दर्जा प्राप्त होवे। ते दूजा, पिछले 20 सालां तों चंडीगढ़ विच पार्टी दा चुनिया संसद मैंबर होवे। आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी तां बन गई है पर दूजी शर्त नूं पूरा नहीं करदी है। आप दा चंडीगढ़ विच कदे संसद मैंबर नहीं बने है, इसलिए इस मंग नूं खारिज कर दिता गया। आम आदमी पार्टी नूं झटका मिलिया तां हुण उन्हां ने सिद्धी चेतावनी राजपाल नूं दे दित्ती है कि जे दफ्तर लई थां ना दित्ती गई तां राजभवन दे बाहर ही दफ्तर खोलणगे। एडमिनिस्ट्रेटर चंडीगढ़, एक पासे कांग्रेस को दो दफ्तर है, दूजे पासे जिहड़ी सेंटर च भाजपा रूल कर रही है उहदे को भी चंडीगढ़ च दो दफ्तर है। दो प्लॉट दित्ते, दो प्लॉटां च दो ऑफिस खोल रखे आ भाजपा ने। जिहड़ी गवर्नर साहब की अपनी पार्टी है, पेरेंट पार्टी, ते अतीत च कांग्रेस ने भी इसे तरीके नाल मनमर्जियां कीतियां, उन्होंने को भी दो प्लॉट है, दो दफ्तर है चंडीगढ़ च। और इस पंजाब की रीजनल पार्टी हुण ते खैर MLA दो रह गए, उन्हों को भी 3 एकड़ का चंडीगढ़ में एक शानदार दफ्तर है और उस दफ्तर की जगह भी यूटी प्रशासक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर मौजूदा, चाहे वह गवर्नर होण या इस तो पहला गवर्नर होण, उन्हां वल्लों अलॉट की जमीन है। लोग जुड़ रहे हैं उस पार्टी नूं एलिजिबल होण दे बावजूद भी, 3 बार रिक्वेस्ट करन दे बावजूद भी चंडीगढ़ के प्रशासक जगह नहीं दे रहे। इहदा आम आदमी पार्टी विरोध करती है। मैं तुहाडे राही गवर्नर साहब नूं कहना चाहुंदा हां कि आम आदमी पार्टी पंजाब नूं एज़ सून एज़ पॉसिबल दफ्तर वास्ते जगह अलॉट कर दो, अदरवाइज आम आदमी पार्टी गवर्नर ऑफिस गवर्नर हाउस के बाहरों अपना आम आदमी पार्टी का दफ्तर चलाऊगी। ये तुहानू असीं वार्न करते हैं, बहुत होगी रिक्वेस्ट। ते उधर BJP ने भी इस चेतावनी ते पलटवार करते हुए कहा है कि लोकतंत्र विच किस तरह का व्यवहार करना है आप नूं इसकी कोई समझ नहीं है। आम आदमी पार्टी ने अज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि असीं सानू कोई भी दफ्तर नहीं दिता जा रहा है, ये डेमोक्रेसी है। ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑफिस देना है, कोई BJP ने अलॉट करना। ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन दी कुछ कंडीशनस ने, उन्होंने पूरा करना पड़ेगा। कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, इन्हों डेमोक्रेसी किदा का व्यवहार करना, किदा का आचरण करना, उसकी समझ ही नहीं है। तो फिर ये कहें कि जे सू दफ्तर नहीं दिता, BJP दुनिया का सब तो बड़ा राजनीतिक दल है, कांग्रेस इस देश से इन्ना लंबा समा राज करती रही, बड़ा राजनीतिक दल है, तो एक दो स्टेटा की पार्टी ये कहे कि सानू भी उन्होंने बराबर अधिकार दिते जाए, तो वो जो नियम तय होंगे ने, कायदे कानून होंगे ने, उसके मुताबिक ही दिते जाते हैं। ये उन्होंने पालना नहीं करते। उस तो बाद हम कह रहे हैं कि असं धरना लावे और अपना जोड़ा ऑफिस है गवर्नर हाउस के बाहर तो चलावे, चला के देख लो जो इस तरह तुम कर सकते हो, कानून कायदे कानून तोड़ सकते हैं। पहला भी केजरीवाल जी जेल रह के आए थे, उस तो बाद बोलने हटे, तो हम तुम जे करोगे उन्होंने भी कानून अपना काम करेगा, तो सानू कुछ नहीं। पर लोगों को यह समझ आ रही है कि यहोजा राजनीतिक दल डेमोक्रेसी नहीं चाहिए जिन्हों लोकतंत्र की कदर ना हो। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान राजपाल नूं जगह देण दे संबंधी कई बार चिट्ठी लिख चुके ने। हाल ही विच लिखी चिट्ठी विच CM ने आप पार्टी दी सूबा इकाई दे दफ्तर दे लई चंडीगढ़ विच जमीन अलॉट करन दी बेनती कीती सी। उन्हां आम आदमी पार्टी नूं कौमी पार्टी दस्सदिआं कहा कि पंजाब विच पार्टी नूं भारी बहुमत हासिल है। चिट्ठी विच इह वी दस्सिआ गया कि पंजाब दे सारे 7 राज सभा मैंबर आम आदमी पार्टी दे ही ने। नगर निगम चंडीगढ़ दे विच वी 35 कौंसलरां विचों 14 आप दे ने, इसलिए उन्होंने जमीन अलॉट की जाए।
पर मंग ठुकराई जान तो बाद फिर तो आप वर्सेस राजपाल दी स्थिति हो गई है। वैसे मान सरकार ते राजपाल दे विचकार खैबाजी कोई नवी नहीं है, इस तो पहला भी कई मसलों ते दोवें आमो सामने हो चुके ने। राजपाल दे वलों अध्यापकां अते सिंगापुर टूर दा ब्यौरा मंगण ते विवाद होया सी। सितंबर 2022 विच विशेष सैशन नूं लैके तकरार होई सी। फरीदकोट दी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी दे वीसी नूं लैके भी दोवां दे दरमियान विवाद होया सी। इस तों अलावा लुधियाणा PAU ते वीसी नूं लैके भी तकरार होई सी। कुलदीप चाहल नूं चंडीगढ़ SSP अहुदे तों समय तों पहलां हटाउण ते दोवां दरमियान विवाद होया। पंजाब विधानसभा दे बजट सैशन दा मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया सी। इस बार दे विशेष इजलास नूं भी राजपाल ने गैर कानूनी दस्या सी। इस तों अलावा सैशन विच पास 4 बिलां ते भी राजपाल ने हले तक हस्ताक्षर नहीं कीते ने। अदे हुण एक बार फिर तो तकरार हुई है ते इस बार मसला है चंडीगढ़ विच दफ्तर दे लई थां अलॉट करन दा।